ओ गुलाब यार, तू नाराज क्यों हो रहा है? चल तू मेरा चोला पहन लियो। गुलाब कबीरवाणी, ये तोहफा मेरे लिए है क्या मेहताब? पर तुझे कैसे पता कि मुझे कबीर दे बोल पसंद है? मेहताब के पास तेरे लिए दो बातें हैं गुलाब। पहली ये कि कबीर दे बोल समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। और दूसरी बात ये कि तेरे हिस्से की बुद्धि भी शायद वाहेगुरु जी ने रंजीत को ही दे दी, इसलिए ये किताब रणजीत वास्ते है। पर मेहताब, मैं मैंने पता है रणजीत, हकीम जी ने बताया था कि पढ़ने से तेरी नजर कमजोर हो सकती है, पर तू घबराना, किताब मैं पढ़ूंगी, तू सिर्फ सुनना। अच्छा, तो मतलब मुझे दो तोहफे दे रही है तू, एक किताब का से दूजी अपनी आवाज दा। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। चल अब तू ऐसा कह रहा है तो ऐसे ही ठीक है। तू गुलाब को इतना चढ़ाती क्यों है? क्योंकि उसका नाम गुलाब नहीं कांटा होना चाहिए था। अच्छा तो ये सब छट आ। अथक कहानी प्रेम की कुछ कही ना जाए, गूंगे केरी सरकारा बैठे मुस्काए। इसका मतलब है कि प्यार जताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, जैसे गूंगे की मुस्कुराहट ही मिठाई का स्वाद बता देती है। तेनू कैसे बता? तूने सिर्फ दोहे नहीं पढ़ा मेहता, तूने एक सोच को जाहिर किया, और मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, महसूस किया। ओ सच, मुझे बेबे के पास जाना होगा, उन्हें बताना होगा कि मैंने अपनी दस्तार बंदी का चोला किसी जरूरतमंद को दे दिया। रब रखा। माफ करना बेबे, पर मुझे यही ठीक लगा। तेनु जो ठीक लगा ना, वही ठीक था पुत्र। तेरे दस्तार बंदी का चोला पवित्र हो गया, तूने इस रस्म का सम्मान किया है, शाबाश। पर पिताजी को क्या कहूंगा? रंजीते, तेरे पिताजी भी तेनु इस बात के वास्ते शाबाशी ही देते, और वैसे भी शायद वो ये रस्म के दौरान मौजूद नहीं रह पाएंगे। क्यों बेबे? वो कुछ सियासी मामलों में उलझे हुए हैं। पर तू घबरा ना, तेरे गुरबख्श चाचा जी है ना, वो तेरे पिताजी की जगह ये रस्म पूरी करेंगे। गुरबख्श चाचा भी मेरे लिए पिताजी के समान ही है बेबे। वाह जी वाह, और महाप्राजी की जिम्मेदारी भी यही संभालेंगे। Oh, oh, oh.
मुबारक। धन्यवाद जी। मेहताब पुत्र। हाँ जी। गुलाब सिंह दा तोहफा प्यार नाल उसे दिया। तोहफा दे देती हूँ बेबे, पर ये प्यार नाल कैसे होता है ये मैनू नहीं पता। दिए अपने चेहरे पर ना थोड़ी सी मुस्कान लिया बस। वदिया चल जा। मुबारक। धन्यवाद मेहताब। सुनिए ना, देखिए तो क्या रंजीत से आपकी नजर हटेगी तभी तो बताऊंगी कि क्या। देखिए ना मेहताब और गुलाब की जोड़ी कितनी सोनी लग रही है ना। जोड़ी मतलब? तुसी मेरे नाल आओ। ओए की अनाप शनाप तू बोलती रहती है सदा। की गलत कह दिया मैंने? गुलाब सिंह सब तू रईस रियासत दा होण वाला सरदार और कन्हैया राज कराने की मेहताब। मैं तुहानू कह रही हां जी, अगर अगर इन दोनों की रेखाएं मिल जाएंगी ना तो अमृतसर तो लेके बटाला तक पुल बन जाएगा, दोनों रियासतें जुड़ जाएंगी। मतलब जीते आजा पुत्र। तो महा पहले से मौजूद नहीं, ऊपर से गुरबख्श सिंह भी गायब। भाई मैनू नहीं लगता कि आज रंजीत के सर पर दस्तार बंधी। ऐसा नहीं है फूफा जी, गुरबख्श चाचा यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। मैं अपनी मेहताब और गुलाब सिंह के रिश्ते के बारे में गल कर रही हूं जी। मैंने गुलाब सिंह की आंखों में अपनी मेहताब के लिए प्यार देखा है। वो बहुत पसंद करता है अपनी मेहताब नू। और मेहताब? मेहताब तक ही है, उसकी पसंद तो वही है जो उसके बेबे और पिताजी की पसंद है। बड़ी सोनी जोड़ी है दोनों की। वो तो ठीक है सदा, पर शायद असी इस मामले में कुछ जल्दी कर रहे हैं। वाह जी वाह, तुसी भी ना। देखो जी, ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा, देरी क्यों करनी। और फिर रिश्ता अभी तय कर देते हैं, बाद में करवा देंगे। अपनी मेहताब बहुत खुश रहेगी जी, बड़ी सोनी जोड़ी है, मान भी जाओ ना। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। भाई मैनू नहीं लगता कि गुरबख्श सिंह आएगा। मां दी गैर मौजूदगी में गुरबख्श उसके परिवार के साथ, उसके पुत्र के साथ हमेशा खड़ा रहेगा।
जिंदा रहे पुत्र। जिंदा रहे पुत्र, वाहेगुरु तेनु लख खुशियां बख्शे।